चुनाव हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। हमारे जिंदगी में कई प्रकार के चुनाव आते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, बचपन से लेकर के जवानी तक, तो कई प्रकार के चुनाव हमारे सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के रूप में, जब हम छोटे थे, आप जब छोटे थे तो ज़रूर लोगों ने आपके पास आकर के पूछा होगा, बेटा तुम बड़े होकर के क्या बनोगे, बेटी तुम बड़े होकर के क्या बनोगे। और हमारा प्रतिउत्तर शायद कुछ इंटरेस्टिंग होगा। अगर जब लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई बेटा आप तुम बड़े होकर के क्या बनोगे, तो मेरा तो खैर अपना ही एक इरादा था कि भाई सबसे बढ़िया तरीका बनने का है कि जो रेलगाड़ी के पीछे का जो डब्बा है ना, उसमें जो गार्ड होता है वो बनना चाहिए। क्यों? अरे साहब, बस झंडी दिखाओ और गाड़ी चलते जा रही और घूमो और फिरो और कुछ करना ही नहीं है। आप शायद हंसेंगे यह सोच करके, लेकिन हमारी बचपन की बातें होती हैं। कभी कभी हम बोलते हैं हम पायलट बनना मांगते हैं, कभी कभी अलग अलग विचारधाराएं हैं। चुनाव, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम परिपक्व होते हैं, और उस परिपक्वता में फिर हमारे जो डिसीजन है वो भी बड़े मच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। अब वो बचपना नहीं रहा। अब आपको क्या करना है, कौन से स्कूल में दाखिल लेना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी कैरियर आपको लेना है, ये सब चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई जवान मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि मैं क्या करूँ, फिर स्टडीज़ करने के बाद वो सोचते हैं कि मैं क्या बनूँ, मुझे डॉक्टरी लाइन लेना चाहिए, किस में ज़्यादा पैसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मी में जाना चाहिए, नेवी में जाना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। कंप्यूटर का आजकल बड़ा बोलबाला है, आप जानते हैं, तो कंप्यूटर में लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ पर। और मोबाइल मतलब मीडिया और करस्पॉन्डेंट होते हैं, तरह तरह के जॉब्स अवेलेबल हैं। आज हमारे देश में तरह तरह की प्रोफेशंस हैं, तो लोग अपना चुनाव करते हैं। फिर ऐसा भी समय आता है साहब कि विवाह की बात आती है, भाई किससे मेरी शादी होगी, कौन वो लड़का होगा, कौन वो लड़की होगी, किसके साथ मेरा जीवन गुजरेगा। ये कई चुनाव हमारे जीवनों में आते हैं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों कि हम बड़े बुद्धिमान हों, बड़े ध्यान से हम इसको चुनाव करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम चुनाव हताश में आकर के करते हैं, चलो अब कुछ नहीं मिल रहा, चलो यही कर लेते हैं, है ना। फिर वो जब चुनाव करते हैं तो हमारे पास फिर गोल नहीं है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, जो सामने आया बस उसी को चुन लिया। नहीं, आप जब चुनाव करें तो देखें कि आपकी क्या इंटरेस्ट है, कौन सी जगह पर है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मीडिया में है, लिटरेचर में है, इंजीनियरिंग में है, मैकेनिक्स में है, नर्सिंग में है, टीचिंग लाइन में है, आपका कहाँ पर इंटरेस्ट है। और फिर आप ज़रूर अपने से बड़े जो बुज़ुर्ग हैं, जो पहले निकल चुके हैं, माँ बाप, आपके पास्टर या और भी दूसरे लोग, अंकल आंटी जो बहुत अच्छा अपने जीवन में कर सके हैं और जिनके पास अनुभव है, आप उनसे भी बात करिए। और एक और बात मैं ये बोलूँगा कि आप प्रभु परमेश्वर से भी प्रार्थना करिए, अगर आप विश्वासी हैं, कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है, मैं क्या करूँ। मेरी इच्छा तो ये है कि मैं टीचर बनूँ या मैं नर्स बनूँ, डॉक्टर बनूँ, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा क्या है। तो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा वो इच्छा को प्रकट करेगा, और फिर आप उसका चुनाव कर सकते हैं, और उसी के स्टडीज आगे करके आप एक अच्छे सफल प्रोफेशनल बन सकते हैं। और आज हमारे देश में, हमारे समाज में अच्छे प्रोफेशनल्स की बहुत ज़रूरत है, जो अच्छा चुनाव कर सके। वेल, ये चुनाव तो हम अपने जीवनचर्या में करते हैं दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और चुनाव जो बाइबल में हम देखते हैं, और वो है यहोशू चुनाव की एक चुनौती देता है इसराइलियों को। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसराइली जो थे वो मिस्र देश से निकाल लाए, और 40 साल तक वो जंगल में भटकते रहे। मूसा उनका अगुआ था, फिर मूसा की डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई, कनान देश में तो वो जा नहीं पाया, लेकिन फिर यहोशू उन इसराइलियों को आगे बढ़ाया और वे सब जगह फैल गए। और यही बात
हम पढ़ते हैं यहोशू की किताब में पूरा, अगर आप पढ़ें उसका जो संदर्भ है कि किस प्रकार से यहोशू आगे बढ़ा। लेकिन एक बात यहोशू जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी लगती है कि उसके पास दम था। उसने चुनाव बड़े डंके की चोट पर लिया और यही बात मैं आपके सामने, मेरे मित्रों आपके सामने रखना मांगता हूँ। और देखें कि क्या लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहोशू की किताब और उसका 24वां अध्याय। यहोशू उसका 24वां अध्याय और 14 पद से 15 पद तक। यहोशू उसका 24 अध्याय 14 से 15 पद। बहुत अच्छा, चुनाव की एक चुनौती उसने इसराइलियों के बीच में रखी और उसने अपना भी चुनाव बड़े समझदारी के साथ किया। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं को की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करता रहूंगा करूंगा। 16 पद भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, 16 और आगे। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर जितनी जातियों के मध्य में से हम चले जाते थे उनसे हमारी रक्षा भी की, और हमारे सामने से उस देश में रहने वाली इमोरी और आदि सब जातियों को निकाल दिया। इसलिए हम भी यहोवा ही की सेवा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर वही है। सो मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं इस पूरे पैसेज में, इन पदों में, कि एक चुनौती इसराइलियों के सामने यहोशू ने रखी, भाई किसकी सेवा करोगे। अब एक चीज जो हम देखते हैं यहाँ पर 14 पद में, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम सेवा करें तो भय का मतलब आदर वाला भय, वर्शिप वाला भय, आराधना वाला भय। हम अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर के सामने, उसके सामने कहें, प्रभु हम तेरी ओर ताकते हैं, हमारा उद्धार तो करने वाला तो तू है, और इस प्रकार से उसका भय मानते हुए। फिर एक और शब्द यहाँ पर आया मेरे दोस्तों, खराई। खराई जो शब्द है बहुत इम्पोर्टेंट है, विशेष करके हमारे मसीही जीवनों में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में। खराई का मतलब है सच्चाई से, विश्वास योग्यता से, बिना मिलावट के, बिना दो मन के, सिधाई से, खराई से उसकी और सच्चाई से उसकी क्या करे, सेवा करे। और जिन देवताओं की तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार अर्थात मिस्र देश में करते थे उनको छोड़ दो, उनको दूर कर दो। और यही बात हम देखते हैं यहोशू ने अपने बारे में सोची, क्योंकि उसने क्या कहा, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करता रहूंगा। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग कई प्रकार की सेवाएं करते हैं, कुछ द्वेष की वजह से, कुछ अपने स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए, कुछों के अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग मोटिव है, अलग अलग उद्देश्य हैं। लेकिन आपका और मेरा एक ही उद्देश्य होना चाहिए मेरे मित्रों, और वो है कि मैं परमेश्वर की सेवा आराधना पूरी खराई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसकी सेवा करूं। और ये बहुत ज़रूरी है मेरे मित्रों,
कभी कभी हम क्या करते हैं, मनुष्यों को खुश करने के लिए कुछ सेवा करते हैं। नहीं 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 मनुष्यों को खुश नहीं करना है। अगर आप मनुष्यों को खुश करने के चक्कर में रहेंगे ना, तो सबको खुश करना बड़ा मुश्किल होगा मेरे दोस्तों। अगर आप परमेश्वर को खुश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो भी काम तुम करो, जो भी तुम सेवा करो, वो मनुष्यों के लिए नहीं परमेश्वर के लिए करें। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि चाहे वो सेवकाई विजिटेशन की हो, चाहे पढ़ाई की हो, पढ़ाई भी एक सेवा है, दूसरों की सहायता करना भी एक बहुत अच्छी सेवा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा सेवकाई के विषय में, कि अगर तुमने कारागार में, जेल में जा करके कैदियों की सुधि लिया तो मेरी सुधि लिया, अगर तुमने भूखों को खाना खिलाया तो मुझे खाना खिलाया, तुमने अगर नंगों को कपड़े पिलाए कपड़े पहनाए तो मुझे पहनाए, जो तुमने इन लोगों के लिए किया वो मेरे लिए किया। तो मेरे दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि सेवकाई का हम मतलब समझें और खराई का मतलब हम समझें और पूरे तन मन से उसको करें। सबोपदेशक और उसके 9 और 10 पद में लिखा हुआ है, जो भी काम तुझे मिले, जो भी काम तुम्हें सेवकाई के रूप में मिले, उसको पूरे तन मन से करें, आधा कुड़कुड़ा करके नहीं। आजकल हम लोग कुड़कुड़ाते बहुत हैं मैं भी कभी कभी कुड़कुड़ा जाता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा इरिटेशन आ जाता है, मैं ये मानता हूँ इस बात को, बाद में फिर मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, प्रभु क्षमा कर, कभी कभी हो जाता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं आपके साथ इरिटेशन, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत चुभती हो तो आ जाता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम उससे माफ़ी भी मांगे परमेश्वर से। जब हम सेवा की बात करते हैं तो एक जो सेवा हमारे जो किया, जिसके बारे में बताना मांगता हूँ, मदर टेरेसा, उसने क्या किया, वो देखने में तो बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर दिखाई देती थी कि एक महिला नीली या सफ़ेद साड़ी पहन के कलकत्ता में उसने सेवकाई की। और क्या सेवकाई थी, बच्चों को जो रास्ते में पड़ रहे थे सड़कों में, कलकत्ता के सड़कों में, बूढ़ों को जो बीमार थे जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उनको हाथों से उठा करके और दूसरों की सहायता से वो अपने आश्रम में लाती थी और उनकी सेवा टहल करती थी। और इसी की वजह से वो जो नोबल प्राइज़ है उसको दिया गया। नोबल प्राइज़ एक ऐसा प्राइज़ होता है दोस्तों जो बहुत मूल्यवान होता है और बड़ा आदर का एक ये प्राइज़ होता है। तो प्राइज देने वालों ने उनसे पूछा, मदर टेरेसा आप ये बताइए कि आप इन पैसों का क्या करेंगे। फट से उन्होंने जवाब दिया, ये पैसा कलकत्ता के उन ज़रूरतमंदों के लिए जाएगा जहां वो बीमार हैं, तड़फ रहे हैं, कपड़े नहीं हैं, खाना नहीं है, उनके लिए पैसा जाएगा। सेवा, हम सेवा की बात कर रहे हैं, है ना। तो फिर नेक्स्ट प्रश्न उन लोगों ने पूछा, नोबल प्राइज़ देने वालों ने, तो ये सब क्यों करती हो। उसका सिर्फ एक ही उत्तर था, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। यह ऐसा ज्यादा उसके पास सरमन बोलने के लिए नहीं था, बस एक ही सरमन था, एक ही मैसेज था, और वो था यीशु ने मुझसे कहा। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, क्या हम इनसे कुछ सबक सीख सकते हैं, लेसन सीख सकते हैं अपने जीवन में। हम सेवकाई की बात जब करते हैं परमेश्वर के लिए, तो वैसा ही हम करें, बिना निस्वार्थ के, निस्वार्थ, बिना किसी फल के, क्योंकि परमेश्वर फल देने वाला है, है ना। तो हम देखते हैं यहां पर मेरे दोस्तों कि परमेश्वर का भय मानकर, पूरी खराई से, पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करें। मुझे बहुत दुख लगता है जब लोग बोलते हैं, भाई हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और जब मेडिकल बिल की बात आती है तो केमिस्ट के यहाँ, दुकान दवाई के यहाँ जाते हैं दवाई लेने के लिए, उन्हें पता है कि बिल ऑर्गेनाइजेशन देगा मेडिकल बिल, तो मेडिकल वो दवाई देने वाला पूछता, भाई साहब कितने का बिल लिखूं। अगर 500 की दवाइयाँ हैं और वो आपसे पूछता कितने का लिखूं, अगर आप और मैं बोलें 700-800 का लिख दो, क्योंकि 200-300 रुपये मेरे पॉकेट में जाएंगे, ये खराई पर नहीं है, ये धोखा है, ये बेईमानी है, ये चीटिंग है।
कई लोग ऐसे करते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं और पेट्रोल का ज़्यादा पैसा चार्ज करवा लेते हैं, भाई साहब इतना पेट्रोल भर, ये क्या है, ये सेवकाई है? बिल्कुल नहीं। अच्छा है कि आप सेवकाई ना करें, क्योंकि परमेश्वर इसका फिर दंड भी देगा। मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया, जब कभी भी लोग ऐसे पूछते हैं कि भाई साहब 500 का बिल बनाए मेडिकल का तो क्या करें, तो मैं बोला 500 का बनाओ, जितने का बिल है, जितने का वो है, उसमें क्या बात है। नहीं, मैंने ऐसी पूछा, क्योंकि लोग आते हैं ना, ज़्यादा का बिल बनवा करके ले जाते हैं, गलत बात है। परमेश्वर की सेवा पैसा कमाना नहीं है, परमेश्वर की सेवा और उसका उसकी कलीसिया बनाना है। जी हाँ, और इसीलिए यहोशू यही कहता है कि अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई से और सच्चाई से करो, और पुराने देवी देवता को निकालो अपने घरों से और सच्चे परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है, और जब हम उसकी आराधना करें तो कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से करें, आत्मा और सच्चाई से करें। जी हाँ, तो सेवकाई करने में भी हम परमेश्वर की आराधना करते, और यदि 15वां पद में लिखा हुआ है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो भाई आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, उन देवी देवताओं की जिनकी तुम्हारे पुरखा तुम्हारे बाप दादे करते थे, या परमेश्वर की। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 15वें पद के दूसरे भाग में, परंतु मैं तो अपने घराने समेत, धन्य है वो घराना जिसमें सब प्रभु परमेश्वर को जानते हो और पूरा घराना मिलकर के सेवा करते हो, परमेश्वर उस पर आशीष देगा। परंतु मैं तो और हमारे घराने समेत यहोवा ही की सेवा करेंगे, नित करेंगे, हमेशा करेंगे, और मरते दम तक यहोशू विश्वास योग्य, खरा, ईमानदार और सच्चा सेवक निकला। आज सच्चे, खरे, परमेश्वर का भय मानने वाले सेवकों की बहुत जरूरत है। अच्छा, 16वां पद में क्या लिखा हुआ है? तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवी देवताओं की सेवा करने हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर से निकालकर, अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए रास्ते में। साहब, जब वो आ रहे थे तो लाल समुद्र को दो भागों में बांटा, जब भूख लगी तो मन्ना खिलाया, और जब प्यास लगी तो चट्टान में से पानी पिलाया, जब सांप के काटे गए तो उनको चंगाई दी, तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, और भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म इन इसराइलियों ने देखा। तो उन्होंने कहा, भैया हम तो परमेश्वर की ही सेवा करेंगे, हमारे देखते देखते बड़े आश्चर्य कर्म किए, जिस मार्ग पर और जितने जातियों के मध में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की यहोवा परमेश्वर ने, और हमारे सामने से उस देश में रहने वाले इमोरी और आदि सब जातियों को निकाल दिया, इसलिए हम भी, यहोशू, हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर यहोवा वही है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की सेवकाई करना एक बड़ा धन्य बात है। जब हम परमेश्वर की सेवकाई की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर समय फुल टाइम, जैसे लोग कहते हैं कि पास्टर बने या टीचर बने बाइबल कॉलेज में, लेकिन जहां कहीं भी है, चाहे आप बैंक में काम करते हो या कंप्यूटर में काम करते हो, इंजीनियर हो, मैकेनिक हो, बढ़ई हो, जूता बनाने वाले हो या टीचर हो, अरे साहब कोई भी काम क्यों ना करें, वो भी परमेश्वर की सेवा है। इस बात का ध्यान रखें कि हर सेवकाई में परमेश्वर प्रथम आता है। दूसरों को आप परमेश्वर के बारे में बताएं, यदि आप कंप्यूटर में हैं और दूसरे आपके साथ जो दूसरे काम कर रहे हैं उनको प्रभु के बारे में बताइए, ये प्रभु की सेवा है, उनके लिए प्रार्थना करिए, ये प्रभु की सेवा है। जब भी मौका मिलता है आप दूसरों के साथ समय बिताएं, विजिट करें, काउंसलिंग करें, ये परमेश्वर की सेवा है कि नहीं? जेल में कैदियों को विजिट करें, और अगर छोटे बच्चे हैं जिनके पास खाना पीना, कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, ठंड का मौसम है,
पैदल बिना चप्पल के चल रहे हैं, कितना मुश्किल होता है। क्या उन लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हैं? ये परमेश्वर की सेवा है। अरे साहब, यही तो है सेवकाई। तो हम देखते हैं यहां पर, यदि आप परमेश्वर की सेवा करें तो पूरे तन मन से करें, परमेश्वर का भय मानते हुए, खराई के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमें आशीष देगा और परमेश्वर को खुश करने के लिए आप ये सेवा कर रहे हैं। तो ये आज आपके सामने एक चुनौती, एक चुनाव है। आपको चुनाव करना है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा या खुद अपनी सेवा करूंगा, हैं? अपने बारे में सोचूंगा। अरे साहब, अपने बारे में सोचने में अब टाइम निकल गया। अब परमेश्वर चाहता है कि उसके लिए लोग आए, सामने आए सेवकाई में। एक जगह पे लिखा हुआ है यशायाह में कि मैं किसको भेजूं, कौन मेरे लिए जाएगा। तब सेवक ने कहा, प्रभु मैं जाऊंगा सेवकाई के लिए। आज प्रभु परमेश्वर आपसे बुला रहा है, आपको बुला रहा है। क्या आप उसके बुलाहट को सुनेंगे और सेवकाई में जाएंगे, ताकि परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी हो, परमेश्वर की जो चर्च है कलीसिया वो मजबूत हो। और उस चर्च और कलीसिया में कौन है? आप और मैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों कि हम अपने कामों में, अपने व्यवहारों में, अपने चाल चलन में, अपने मानसिकता में, अपने सोच विचार में, अपने विचारधाराओं में, प्रैक्टिकल रूप में, प्रायोगिक रूप में हम परमेश्वर की सेवा करें। चाहे वो बच्चों के साथ मिनिस्ट्री हो, चाहे कैदियों को विजिट करना हो, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे आप बैंक में कोई अधिकारी हो, बड़े भारी प्रिंसिपल हो, या टीचर हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, जो भी हो आप, उन चीजों के द्वारा, उन कार्यों के द्वारा पूरी खराई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे परमेश्वर के भय मानते हुए इस प्रकार से सेवा करो। क्या लिखा था परमेश्वर के वचन में? अगर तुम लोगों ने इसके लिए किया, इन लोगों के लिए किया, तो प्रभु कहते हैं मेरे लिए किया। सो आज चुन लीजिए आप किसकी सेवा करेंगे। मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा 24 अध्याय और 15वां पद। और यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे अर्थात मिश्र में, या और दूसरे देवी देवता की। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करता रहूंगा। क्या आप ये चुनाव आज आप लेंगे? यदि लिया है तो उसमें कंटिन्यू लगातार बने रहे। परमेश्वर आपको आशीषित करें।